और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जो चीज में आप डील करते हैं उसी में दूसरा वाला भी डील कर रहा है, उसके बेचारे का नहीं बन बन रहा। तो अगर आप उससे बताएंगे नहीं ना कि आपके तरीके क्या हैं, तो पैसे देके जासूस लगाएगा और पता करेगा कि आप किस क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे वो भी उतना ही फायदा कमा सके। अपनी जो महात्मा गांधी ने कहा है, नफरत मत करें। ये दुनिया, इसका बुनियादी कानून है तनवो, विविधता। ऋग्वेद कहता है इसे बहुधा। इसको रेस्पेक्ट करना सीखिए। इत्तेहाद, एकता कायम होती है इख्तलाफ को बर्दाश्त करने से। इख्तलाफ दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकते, नामुमकिन। और जहां इख्तलाफ खत्म करने की कोशिश की जाती है, वो समाज, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी तख्लीकी सलाहियत चली जाती है। चूंकि आप एक चीज इंपोज करेंगे हर आदमी के ऊपर, तो जाहिर है उसकी अपनी तो सलाहियतें खत्म हो जाएंगी। तो डॉक्टर कलाम सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो बड़े भारी आध्यात्मिक थे। वो जो आपने प्रमुख महन जी का कहा, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है ट्रांसेंडेंस। डॉक्टर कलाम हमारे लिए, और मैंने आपसे कहा यहां तो ठीक है, यहां तो हिंदुस्तान का ये मुख्य फाइनेंशियल कैपिटल है साहब मुंबई, आप किसी गांव में चले जाइए और इस आदमी का नाम लीजिए तो वो रोमांचित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि इस आदमी ने देश को सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योगदान है, वो योगदान ऐसा जबरदस्त है कि वो कोई कोशिश करे वो मिटाई से मिट नहीं सकता। मैं आपको सच में दिल से बधाई दे रहा हूं कि आपने डॉक्टर कलाम की याद को बनाए रखने के लिए, और इस इलाके में खास तौर से जरूरत है। चूंकि ये भी जान लीजिए, जहां पे स्लम्स होंगे, जहां पे गरीब और कमजोर आबादी होगी, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिल में कुछ बनने की और कुछ करने की